यूसीसी से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज। कहा राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार। उत्तराखंड गुजरात में यूसीसी के लिए कमेटी का गठन दी गई थी चुनौती। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में सीएम योगी ने किए दर्शन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। आज काशी आएगा गंगा विलास क्रूज। पर्यटकों के भव्य स्वागत की तैयारी। कोलकाता से चलकर काशी पहुंचेंगे पर्यटक। शीतलहर और धुंध के चलते दो दिन की देरी से पहुंच रहा है क्रूज। फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। आज चेन्नई में यूपी सरकार का रोड शो। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कर रहे हैं अगुवाई। बड़ी संख्या में एमओयू साइन होने की उम्मीद। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन को लेकर दर्ज हुई एफआईआर। सपा कार्यकर्ताओं नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डब्ल्यू सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा वो अपराधियों के साथ हम कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। मनीष जगन की गिरफ्तारी पर शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा भाजपा नहीं चाहती कोई दूसरी पार्टी वजूद में रहे। बर्क ने एसपी ट्विटर हैंडल चलाने वाले मनीष की गिरफ्तारी को बताया गलत। लखनऊ में यूपी के शहरी क्षेत्रों में गड्ढा मुक्त अभियान में लापरवाही। 22 निकायों को जारी हुआ नोटिस। दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बीजेपी विधायक नंदकिशोर के विवादित बोल घर में फर्जी व्यक्ति घुसे तो हत्या कर दो, खुद ना कर सको तो मुझे बुला लो। आज बढ़ी दरों का प्रस्ताव दाखिल करेगी बिजली कंपनियां। विद्युत नियामक आयोग में दाखिल होगा बढ़ी दरों का प्रस्ताव। इस बार करीब 13-15% दरें बढ़ाने की तैयारी। सीएसजेएम कुलपति विनय पाठक की बढ़ी मुश्किल। विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जल्द शुरू करेगी जांच। सीबीआई की सहमति मिलते ही सूचना की गई जारी। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज करेगी केस। वाराणसी में बड़ा हादसा। सिकरा स्टेडियम के पीछे की गिरी दीवार। दर्जन भर गाड़ियां मलबे में दबी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कन्नौज में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी। दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे यात्री। बस के ट्रक से टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे से गिरने पर हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी तक नहीं पकड़ा गया तेंदुआ। आज टीम यूनिट्स को बढ़ाकर व्यापक स्तर पर की जाएगी कोशिश। जिले के अलावा गाजियाबाद बुलंदशहर की टीम के साथ मेरठ की टीम को भी लगाया जाएगा। उन्नाव में ग्रामीणों ने निकाला मशाल जुलूस। जंगली जानवर के डर से निकाला मशाल जुलूस, दहशत बरकरार। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश मुनेश गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में 21 मुकदमे दर्ज। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गुर्गो का आतंक। दलित परिवार को मकान खाली करने की दी धमकी। पीड़ित की शिकायत पर माफिया के गुर्गो के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। बहराइच में डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में कचहरी डाकघर में महिला वकील की दबंगई का वीडियो आया सामने। मामूली कहासुनी पर डाककर्मी के साथ की मारपीट। कानपुर में हार्ट अटैक से मौतों का सिलसिला जारी। हार्ट अटैक से 16 लोगों की हुई मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई 5 की मौत। झांसी में लड़की के साथ छेड़खानी करने पर मनचले युवक की पिटाई। भीड़ ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ के सादतगंज के घर में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फरुखाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। डीसीएम को बस से पीछे से भारी टक्कर। 4 की मौत। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। कई की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में टमाटर से भरा कैंटर हुआ क्षतिग्रस्त, 2 लोग जख्मी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।